अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? दिस इज मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपने वीडियो में वेलकम करता हूं। तो काफी देर हो गई है मैंने अपने चैनल पे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया, जस्ट मैं रेमेडीज ही अपलोड कर रहा हूं या रिसेंटली मैंने सिर्फ एक दो स्किन पॉलिश या फिर फेशियल किट का रिव्यू किया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करने जा रहा हूँ। काफी देर से मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वसीम हम लोगों के साथ कोई ब्यूटी क्रीम शेयर करो, डे क्रीम शेयर करो जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे हो, जो डार्क स्पॉट्स को लाइट करे और हमारे कलर को ब्राइट भी बनाए। आज मैं आप लोगों के साथ गार्नियर लाइट का कंप्लीट रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, इसकी प्राइस, प्रोस, कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से भरपूर रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत वाली बात है यार, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को देखो, बहुत हॉरर किस्म की आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी। जिनको हॉरर स्टोरी पसंद है उनके लिए तो ये कमाल चैनल है, प्लीज यार सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गार्नियर के बारे में। गार्नियर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और काफी ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स है जो काफी ज्यादा फेमस है स्किन से रिलेटेड इसके जो प्रोडक्ट्स है काफी ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। बहुत अच्छी अच्छी इसकी क्रीम्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है और उन अच्छी क्रीम्स में से एक क्रीम है गार्नियर लाइट है जो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया से इंपोर्ट की जा रही है। शायद पाकिस्तान में होती हो लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली, मुझे जब भी मिली है ये इंडियन ही मिली है और मैंने ये इंडियन ही परचेज किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पे जबरदस्त लिखा हुआ है गार्नियर स्किन नेचुरल्स लाइट कंप्लीट फेयरनेस सीरम क्रीम लाइट एंड स्पॉट्स इन वन वीक 3x विटामिन सी जुजू लेमन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं कि डार्क स्पॉट्स है जो फेस पे मतलब जो दाने के निशान होते हैं उनको एक वीक के अंदर ये मतलब रिड्यूस करता है, जो कि बहुत अच्छा क्लेम है। दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात UVA और B है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें SPF कौन सा है, 30, 40, 50, 60+++ जो भी होता है ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। दूसरी तरफ डिस्कवर यूजो लेमन कुछ यूँ है और साथ में सिरम दिखाया गया है। बैक पे हमें यहाँ पे कुछ एक मीटर सा दिया गया, ठीक है, मेजरेबल परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पे अपनी स्किन टोन के साथ मैच कर सकते हो, अगर मैं अपनी स्किन टोन के साथ मैच करूँ। मैंने किसी से पूछा था कि मेरी स्किन टोन कहाँ पे, तो तब मुझे उसने 3 पे कहा था, लेकिन अब मुझे ये क्लियरली 2 पे नजर आ रहा है। अगर आप लोगों को भी नजर आ रहा हो तो 2 पे मेरी स्किन टोन मुझे नजर आ रही है, मतलब ये मेयर उन्होंने पीछे दिया हुआ है। पीछे प्राइस इसकी 129 लिखा हुआ है, 129 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये पाकिस्तान में आपको 400 रुपये की किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। पैकेजिंग की बात होगी, आप इसके ज़रा अंदर का डिटेल देख लेते हैं। तो अंदर से दिस क्रीम लुक्स लाइक दिस, मतलब एक येलो प्लास्टिक की एक जार में आता है। ये वाइट और येलो का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है और इसके वैसे भी जो इस क्रीम का कॉम्बिनेशन है येलो और वाइट ही है, तो यहाँ पे भी येलो और व्हाइट है, ठीक है, लेमन का कुछ है ना तो इसमें, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। अच्छा, आप लोगों को अपनी रेमेडीज में भी लेमन शेयर करता हूँ, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि लेमन जो है हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करता है। लेमन हमारे फेस पे ब्लीचिंग का काम करता है, तो इसलिए लेमन का अपनी रूटीन में आप लाजमी इस्तेमाल करो। कुछ लोग कहते हैं हार्मफुल है, बट मुझे समझ नहीं आती वो कैसे हार्मफुल है, ठीक है। तो इस क्रीम को ओपन करने के साथ अंदर से ये क्रीम कुछ इस तरह की हमें मिलती है, इस तरह से मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे एक अजीब बात लगी कि इसके ऊपर एक स्टॉपर सा होना चाहिए था, जैसे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी में होता है वैसे इसमें होना चाहिए, लेकिन ये नहीं था। ये तो ये मैंने नया जार आप लोगों के लिए ओपन किया है, कूड़ा जार मैंने यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, इट स्मेल्स रियली लाइट एंड वेरी गुड, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाइट है। अब इसके अगर फार्मूला इसके टेक्सचर की बात करें, ये देख लो मैंने अभी आप लोगों के लिए ओपन की है वीडियो के लिए सिर्फ, तो इसके टेक्सचर की बात करें तो ईजिली ये ब्लेंडेबल है, लगाने के साथ ये इंस्टेंट आपके फेस पे ये वाइट कास्ट छोड़ता है। तो इसमें SPF भी है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें ये नहीं बताया गया कि SPF इसमें कौन सा है। तो ऑयली स्किन के लिए एक अच्छी क्रीम है, ये आपकी स्किन को मैट कर देता है, मतलब मैटिफाइंग होती है आपकी, लगाने के बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा चिप चिप फील नहीं होता और बहुत ज़्यादा ओवर वाइट नहीं फील हो रहा होता।
तो इसलिए इस हिसाब से ये क्रीम पास है कि मतलब बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, जो छोड़ती है वो मैट होती है, ऑयली नहीं होती, तो ऑयली स्किन वालों के लिए एक ज़बरदस्त है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद मुझे कैसा फील हुआ, कैसा नहीं हुआ, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करना स्टार्ट करने लगा। आपको बताता चलूं कि पहले मैं गार्नियर लाइट यूज़ नहीं करता था, पहले मैं अपने फेस पे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का फेस वॉश और पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम ही यूज़ करता था। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पर, तो काफ़ी अच्छी वो क्रीम है, मुझे काफ़ी सूट करती है और वैसे भी ऑयली स्किन वालों के लिए वो एक अच्छी क्रीम है। लेकिन मुझे रिसेंटली मेरे फेस पे पिंपल्स आए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शायद अभी भी इनका कोई निशान रह गया हो, तो है मेरे फेस पे थोड़े से उनके निशान, तो मेरे फेस पे काफ़ी बुरी तरह से उनके निशान ही रह गए थे। तो मैं वो यूज़ कर रहा था लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा वाओ किस्म का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। रिजल्ट मिल रहा था, मेरी स्किन लाइट हो रही थी, रेमेडीज़ जो मैं यूज़ कर रहा था उनसे मुझे 90% समझ लो फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन फिर भी समटाइम आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का यूज़ करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मुझे भी ज़रूरत थी। तो मैंने ये गार्नियर लाइट कंप्लीट के बारे में सुना हुआ था, तो ये भी क्लियर क्लेम करते हैं कि लाइट एंड स्पॉट्स इन वन वीक, यानी कि एक हफ्ते में आपके जो डार्क स्पॉट्स है उनको लाइट, आपके जो डार्क स्पॉट्स है उनको लाइट करते हैं आपके फेस पे, मतलब जो निशान होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड, तो मैं जल्दी से गया, इसके दो चार खरीद ली, एक यूज़ करने के लिए और एक यूज़ करने के बाद उसका रिव्यू करने के लिए, तो क्योंकि उनसे ज़बरदस्त जिनके फेस पे निशानात हो, तो मैंने इसलिए दो जार ही खरीद लिए। तो मैंने यूज़ किया इस पूरे जार को, यूज़ किया पूरे जार को, यूज़ करने के बाद मैंने क्या फील किया कि भाई एक हफ्ते वाला ये जो क्लेम है ये क्लियर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं ये करती। हाँ, लेकिन आप पूरा जार यूज़ कर रहे हो तो जो कि एक दो माह के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, एक डेढ़ माह के अंदर यूज़ हो जाता है, अगर आप दिन में दो टाइम लगा रहे हो और भर के नेक तक लगा रहे हो, तो फिर ये आपका एक डेढ़ माह निकल जाता है। और एक डेढ़ माह के अंदर इसने मुझे लाइक 100 में से 50% रिजल्ट दिया है, मेरे जो डार्क स्पॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हुए हैं, गैस हुए हैं, लेकिन सारा इसकी वजह से नहीं, रेमेडीज भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है क्रीम। अगर डार्क स्पॉट्स की तरफ बोला जाए तो यस, ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके काम करती है, आपके कलर को ब्राइट ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया, ये क्रीम कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन हाँ पूरी डिब्बी यूज़ करने के बाद जो आपका यहाँ पर मेजरमेंट है ना, एक शेड डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी, तो इस लिहाज से भी ये क्रीम पास है कि मतलब आपके कलर को भी ब्राइटन अप करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ करती है, डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करती है। ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। मैं बता दूँ कि स्किन के लिए परफेक्ट है, ऑयली स्किन वालों के लिए ज़बरदस्त क्रीम है, मैट जिनकी स्किन है और मतलब जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई किस्म की है, तो वो भी समर में ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई भी ड्राई होते हैं उनकी स्किन भी ऑयली हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, जैसे मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उनकी भी ऑयली स्किन हो रही होती है, तो ये ड्राई और ऑयली स्किन वाले इक्वली यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन आई वाज यूजिंग दिस क्रीम आई फील लिटल 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 का मतलब मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इरिटेशन मुझे एक दो दफ़ा हुई जब मैंने क्रीम लगाया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इसमें लेमन है और सीरम है, और जो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा, लेमन उनको इरिटेट करता है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं होता, तो इसलिए मुझे भी ये थोड़ी सी इरिटेट की, लेकिन जब मेरी स्किन इसकी यूज़ टू हो गई तो उसके बाद मुझे इसका कोई एहसास नहीं था। काफ़ी अच्छा इसने मुझे, मतलब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ इसके रिजल्ट से भी। तो मैंने सारी डिटेल आप लोगों के साथ इस क्रीम की शेयर कर दी, आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो, डे में यूज़ कर सकते हो, प्राइस बता दी है मैंने, इसके फ़ायदे बता दिए, नुकसान मुझे इसका कोई नज़र नहीं आया, तो थोड़ी सी प्राइस ही है, उसके अलावा गुड क्रीम। तो कितने ग्राम इसमें मिलती है हमें, सॉरी ये बता दूँ मैं आपको, 45 ग्राम। मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके डिस्कस नहीं किए ज़्यादा। तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लिटल 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 का मतलब मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इरिटेशन मुझे एक दो दफ़ा हुई जब मैंने क्रीम लगाया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इसमें लेमन है और सीरम है, और जो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा, लेमन उनको इरिटेट करता है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं होता, तो इसलिए मुझे भी ये थोड़ी सी इरिटेट की, लेकिन जब मेरी स्किन इसकी यूज़ टू हो गई तो उसके बाद मुझे इसका कोई एहसास नहीं था। काफ़ी अच्छा इसने मुझे, मतलब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ इसके रिजल्ट से भी। तो मैंने सारी डिटेल आप लोगों के साथ इस क्रीम की शेयर कर दी, आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो, डे में यूज़ कर सकते हो, प्राइस बता दी है मैंने, इसके फ़ायदे बता दिए, नुकसान मुझे इसका कोई नज़र नहीं आया, तो थोड़ी सी प्राइस ही है, उसके अलावा गुड क्रीम। तो कितने ग्राम इसमें मिलती है हमें, सॉरी ये बता दूँ मैं आपको, 45 ग्राम। मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके डिस्कस नहीं किए ज़्यादा।
तो आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।